गाइस, टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम आज जा रहे हैं चेन्नई की ओर, घर वापसी हो रही है। गुड मॉर्निंग, हाय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्कार। आज का रूटीन बताइए। राम राम। रूटीन बताइए आज का। आज हम नीचे जाएंगे, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे होटल में ही। बोल रहा था होटल बुफे, हाँ बुफे रहता है, लेकिन अपने को खाने होता है। और उसके बाद 8:50 में हम जाएंगे एयरपोर्ट। 10 की हमारी फ्लाइट है स्पाइसजेट। 12:30 तक हम पहुँच जाएंगे शायद। उसके बाद चेन्नई में जस्ट रॉक। ये जो आप राजेश गुप्ता की टी शर्ट देख रहे हैं, ये वहाँ से 100-100 रुपये में उठाई गई टी शर्ट है। इनका कलर छूट रहा है, बट एज अ मेमोरी उन्होंने ये ली है। जी राजेश जी, क्या बोलना चाहेंगे अभी आज? बस ये टी शर्ट लिया है हमारा, मतलब इसलिए गेम से लिया। हाँ, और फाइनली कल राजेश गुप्ता ने 2 संघ के ले लिए हैं। सुबह से मुझको पूछ रहे हैं कि मैं संघ कैसे लेके जाऊँ घर पे, टूटेंगे तो नहीं, भले ही छोटे दिखते रहे। रैप कर लेना उससे। 3 दिन से उनका संघ वाला सपना कल जाके पूरा कर पाया। कम से कम 150 के आसपास दुकानें घूम चुके थे। फाइनली बोर्डिंग हो चुकी है, यहाँ पर बैठ चुके हैं हम। देखिए जनक राज यार, कैसा लगा आपको बोर्डिंग करके? वहाँ तक यहाँ आने का जो सफ़र है, बोल रहे हैं ना, वो बहुत ही हार्ड है। बहुत ट्रेन से पहुँच गया यार। एंजॉयिंग जो भी है, जोमो #जोमो। वी हेडिंग टूवर्ड्स कहाँ जा रहे हैं हम? चेन्नई जा रहे हैं। पागल हो गए हैं यार, ब्लॉग बना के। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, देखो क्या रेस्पॉन्स मिलता है। हम लोग गेस्ट हाउस पहुंच गए थे, 1 घंटा थोड़ा रेस्ट किया, अब थोड़ा बाहर को जा रहे हैं। अभी हम राइट नाउ वी आर इन चेन्नई। चेन्नई में गेस्ट हाउस में थे, अभी थोड़ा बाहर को जा रहे हैं। थोड़ा खाना खाने की सोच रहे हैं, देखते हैं कहाँ पर मिलता है। साउथ इंडियन थाली के बारे में सोच रहे थे हम लोग, तो अभी सभी लोग दिखते हैं, ज़्यादा दिखते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रीट फूड मिला था हमें, तो खाने में है आपका ये कुछ फ्राइड राइस टाइप लग रहा है, बिरयानी टाइप में, वेज बिरयानी। उसके ऊपर एग राइस है, एग की करी डाली गई है और दही का चटनी टाइप कुछ है। दही चटनी टाइप की है क्या? हाँ, दही राइस अलग है। दही राइस तो अभी यही मिला यहाँ पर, तो हमने कहा ये राजेश गुप्ता टेस्टी खाना। और हाँ, मेन है जब 40 रुपये में आपकी पूरी थाली मिल गई। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से घर धो के मिल गई, बहुत क्वालिटी। ठीक है, खाना खाते हैं, फिर जाते हैं कहीं खाना खा के निकलते हैं कहीं। चलो खाना खा रहे हैं। अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने चेपक का ग्राउंड देखा है। ऊपर से आज CSK वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच है, तो एवरीवन हियर इज प्रेजिंग फॉर चेन्नई। दे वांट कि चेन्नई फिर से एक बार IPL की ट्रॉफी जीते। ये है सबवे, नीचे का रास्ता है। इट्स लुक वेरी गुड, मज़ा आ रहा है यार, बढ़िया बना है। मुंबई में काफ़ी बड़ा है, कालिका बाजार दिल्ली अंडरग्राउंड। हाँ, पूरी अंडरग्राउंड। ये इतना करें बस इसको शाम इतना ये देखना ये मरीना बीच और का जूहू मिलेगा वो भी 50 जूहू होंगे निकालना। अरे काय तो 50 बार तो गया होगा जूहू का। एक दिन चलते सालाना गलती से लाते ना आपके यहाँ ना पे ये उसको फिर देखेंगे कितना। इससे 50 गुना भीड़ रहती जूहू में। 50 गुना कोरोना है तो पहले देखा है ना वो अपने सेलिब्रिटी रहते हैं। सेलिब्रिटी ये लोग लड़ाई कर रहे हैं कि जो भी बढ़ाए इतनी भीड़ है। चलो ये चीजें चलती रहती है। Memories like this never end, no they don't fade away. So when I'm gone, or when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. ये है रास्ता मरीना ट्रेंच का। जो अभी मेमोरियल था, मेमोरियल से भी रास्ता था लेकिन नहीं है अभी दिखाते हैं। ये रेत ये है मरीना बीच। ले जो तगड़ी बीच ज्वार भाटा बोलते हैं बहुत तगड़ा है। ये देख सकते हो भीड़ भाड़ आज बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज दसरा है तो सब लोग छुट्टी पर हैं। मास्क पहने बहुत लंबा है। ये बीच बहुत लंबा है और थोड़ा वाइल्ड बोल सकते हो। अच्छा खासा बीच है। थोड़ा जूम करके दिखा दो। कलर भी बहुत बढ़िया इसका। स्कैटरिंग भी अच्छी है। चेपक यहाँ पर से बहुत ही क्लोज है। चेपक का जो ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। चेपक की एंट्री पी चिदम्बरम गेट ये है आपका चेपक स्टेडियम। रनों की बरसात होती है इस ग्राउंड में। मॉर्निंग के बज रहे हैं 4:30 बजे। हमें अभी जाना है चेन्नई एयरपोर्ट। चेन्नई एयरपोर्ट से हमारी इंडिगो फ्लाइट है नागपुर की ओर। सुबह सुबह उठना बहुत बेकार लगता है पर उठे हैं। जनक राज सत्ता उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई है, गले में दर्द हो रही है तो निकलते हैं 5 बजे तक। स्टे ट्यून। तो फाइनली वी हैव रीच्ड द चेन्नई एयरपोर्ट। अब जा रहे हैं नागपुर की ओर। घर वापसी #घर वापसी। कुछ नहीं, इट वाज ऑल अ गुड एक्सपीरियंस। जा रहे हैं अब घर को। चेक इन कराते हैं क्योंकि टाइम हो ही गया है। 6:05 हो गया है। चेकिंग वहाँ बोर्डिंग शुरू हो गई होगी तो फटाफट चेकिंग कराते हैं। चलते हैं नागपुर। नागपुर से डायरेक्ट घर मिलते हैं। 2 घंटे की फ़्लाइट है, 1.5-2 घंटे की। अपनी फ़्लाइट के लिए हम वेट कर रहे हैं। कॉल हो चुका है। देखो हम सिर्फ 3 लोग हैं। राजेश गुप्ता इज़ नो मोर विद अस राइट नाउ। वो कल रात को ट्रेन के माध्यम से 10 बजे की ट्रेन थी उनकी, तो अभी पहुँचेंगे 2 बजे नागपुर। हमारी अभी फ़्लाइट है 7 बजे की। 9 बजे के आसपास हम नागपुर पहुंच जाएंगे तो राजेश को भी पिकअप कर लेंगे। राजेश को क्या पिकअप, वो उसकी ट्रेन लेट होगी, 2 बजे तक पहुंचेगी। प्लेन आई थिंक पैसेंजर बहुत कम है, पैसेंजर ज़्यादा नहीं है, इसीलिए होता क्या है कि जो आप एयरलाइंस है वो बहुत ही कम प्रॉफिट में रहती हैं, प्रॉफिट होता ही नहीं है, ऑलवेज इन लॉस। तो वी आर बोर्डिंग, चलते हैं।